हाय फ्रेंड्स, नब्बार्थी परिवार में आपका स्वागत है। आई एम बलरामपुर जर असिस्टेंट प्रोफेसर नब्बार्थी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जयपुर। तो दोस्तों, आज मैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान भाग 16 को लेकर उपस्थित हूं। जैसा कि हम पिछली कक्षा में रणथंभौर दुर्ग के बारे में चर्चा कर रही थी कि रणथंभौर दुर्ग में कौन सा शासक हुआ था, उसका निर्माण कब हुआ था, उसके तत्कालीन शासक कौन थे, किसने उस पर आक्रमण किया, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। आज हम रणथंभौर दुर्ग के अंतर्गत आने वाले दर्शनीय स्थलों के बारे में बात करेंगे। तो यानी कि रणथंभौर दुर्ग में जो दर्शनीय स्थल हैं, दर्शनीय स्थल, उनके बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के रणथंभौर दुर्ग में, जो कि एक गिरी दुर्ग है और बंद दुर्ग है, दोनों यानी गिरी दुर्ग और बंद दुर्ग की श्रेणी में आता है, इसके अंतर्गत अनेक दर्शनीय स्थल हैं। उन दर्शनीय स्थलों के बारे में चर्चा जब हम करते हैं तो सबसे पहला आता है नवलखा महल का। इसके बाद उसमें एक हमीर महल है जो कि पूरी तरह से करौली के लाल पत्थर से बनाया गया है। इसके अलावा रणथंभौर दुर्ग में सुपारी महल है और सुपारी महल में जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है उसका निर्माण किया गया है। और उसमें पूर्वी ओर यानी कि गणेश मंदिर जहां स्थापित है उसके पूर्व में एक जल स्रोत है और उस जल स्रोत को गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो उसके अंतर्गत जो रणथंभौर दुर्ग में स्थित हैं वो है मस्जिद है, और मस्जिद किनकी है, वो है पीर सदरुद्दीन की। इसके अलावा उसमें गिरजाघर है जो एक सांप्रदायिक भावना का उदाहरण है, क्योंकि उसमें सभी धर्मों का लगभग स्थान है। तो ऐसी स्थिति में और इनके जो दर्शनीय स्थल हैं उनको हम जब क्रम से देखेंगे तो सबसे पहला नाम आता है नवलखा महल, जो कि नवलखा महल है वो रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। दूसरा है हमीर महल, ये स्वयं रणथंभौर के शासक रहे थे हमीर, इनका महल भी रणथंभौर दुर्ग में दर्शनीय स्थल के रूप में विद्यमान है। और इस हमीर महल का जो निर्माण हुआ है वो टोटल करौली के लाल पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। हमीर महल का जो निर्माण किया गया है वो करौली के लाल पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। इसके अलावा आता है सुपारी महल, यह भी रणथंभौर दुर्ग के अंतर्गत विद्यमान है। सुपारी महल, और जो सुपारी महल है इसकी जो विशेषता है वो यह है, क्योंकि सुपारी महल में किसका मंदिर बना हुआ है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो बना हुआ है सुपारी महल में, इसमें भाद्रपद शुक्ल
गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल गणेश चतुर्थी को पितृवर्ष मेला भरता है। जो रणथंभौर दुर्ग में जो मेला भरता है वो कहां पर भरता है, यानी कि थनेर गणेश मंदिर में, जहां भाद्रपद शुक्ल गणेश चतुर्थी को प्रतिवर्ष मेला भरता है। सुपारी महल की एक और महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि इसके पूरब में स्थित, यानी पूरब दिशा में, सुपारी महल के पूरब दिशा में स्थित, पूरब दिशा में एक जल स्रोत है, पूरब दिशा में जल स्रोत है, सुपारी महल के पूरब दिशा में एक जल स्रोत है और उस जल स्रोत को ही गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है। गुप्त गंगा यानी कि सुपारी महल में त्रिनेत्र गणेश मंदिर है जिसका भाद्रपद शुक्ल गणेश चतुर्थी को प्रतिवर्ष मेला लगता है, उसके पूरब दिशा में एक जल स्रोत है और वो जल स्रोत गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण बात आती है सुपारी महल की। इसके बाद आता है मस्जिद, यानी कि गणेश, सॉरी, जो रणथंभौर दुर्ग है उसमें एक मस्जिद भी है और जो मस्जिद है उसमें एक दरगाह बनी हुई है, वो किनकी है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, यानी कि पीर सदरुद्दीन की जो दरगाह है वो कहां बनी हुई है, रणथंभौर दुर्ग में बनी हुई है, जहां पर मुस्लिम धर्मावलंबी के लोग जाते हैं। नेक्स्ट है गिरजाघर, गिरजाघर कहने का मतलब ना केवल उसमें मंदिर और मस्जिद हैं, इसके अलावा रणथंभौर दुर्ग में गिरजाघर भी बना हुआ है जिसके कारण ये सदैव सांप्रदायिक सांप्रदायिक सद्भावना सांप्रदायिक सद्भावना का ज्वलंत उदाहरण है। क्यों है, क्योंकि इसमें मस्जिद भी है, गिरजाघर भी है, मंदिर है, इसलिए ये क्या है, रणथंभौर जो दुर्ग है वो सांप्रदायिक सद्भावना का ज्वलंत उदाहरण है। इसके अलावा रणथंभौर दुर्ग में और जो दर्शनीय स्थल की जब हम बात करते हैं तो वो आता है जौरा भौरा महल, यानी कि उसमें बना हुआ है जौरा भौरा महल, और ये जो जौरा भौरा महल है वो यानी तत्कालीन समय यानी शासन काल में, जो अमीर शासन काल में, ये क्या हुआ करता था, अनाज का भंडार हुआ करता था, अनाज का भंडार, कहने का मतलब अनाज रखने के जो स्थान थे वो जौरा वोरा महल थे, जो आज एक दर्शनीय स्थल के रूप में विद्यमान है, उनमें तत्कालीन समय पर क्या किया जाता था, अनाज रखा जाता था, सेना का और उसके जो कार्य होते थे उन सभी के जो अनाज को रखने की जगह थी, अनाज को रखने का जो स्थान था वो था जौरा वोरा महल। तो दोस्तों हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में विस्तृत चर्चा की, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में विस्तृत चर्चा की, अब तीसरे नंबर पर और उसके बाद रणथंभौर दुर्ग के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब बात आती है चौथे नंबर पर सिवाणा दुर्ग की।
शिवाणा दुर्ग। शिवाणा दुर्ग की चर्चा करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर शिवाणा जो दुर्ग है वो कहां पर स्थित है। तो सबसे पहली बात है कि शिवाणा दुर्ग बाड़मेर में स्थित है। बाड़मेर राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है शिवाणा दुर्ग। और इसकी जब हम निर्माण की बात करते हैं तो निर्माण का जो श्रेय जाता है वो वीर नारायण पवार। और वीर नारायण पवार कौन थे? राजा भोज के पुत्र। राजा भोज के पुत्र। राजा भोज के जो पुत्र थे वो कौन थे? वीर नारायण पवार थे। और वीर नारायण पवार के द्वारा इस शिवाणा दुर्ग का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। और कब किया गया था? यानी कि वीर नारायण पवार ने 10वीं सदी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया। 10वीं शताब्दी में और शिवाणा दुर्ग का नाम शिवाणा दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब बात आती है कि शिवाणा दुर्ग के उपनाम क्या हैं। तो शिवाणा दुर्ग के जब उपनाम की बात करते हैं तो इसके जो उपनाम है शिवाणा दुर्ग के, जालौर की कुंजी। शिवाणा दुर्ग को जालौर की कुंजी के नाम से जाना जाता है। और एक नाम दिया गया है इसका कुंभयाना। कुंभयाना के नाम से भी शिवाणा दुर्ग को जाना जाता है। इसके अलावा एक नाम दिया गया है इसका खैरावाद। अब दोस्तों जो खैरावाद नाम दिया गया है इसके पीछे एक लॉजिक है। वो क्या है कि जब ये आपको पता होना चाहिए कि शिवाणा दुर्ग में दो शाखे हुई थी, यानी विश्व प्रसिद्ध दो शाखे किसमें होते? शिवाणा दुर्ग में। जैसे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तीन शाखा हुए थे, उसी प्रकार शिवाणा दुर्ग में दो शाखा हुए थे। उन दो शाखा में से एक जो पहला शाखा था वो था अलाउद्दीन खिलजी ने जब शिवाणा दुर्ग पर आक्रमण किया था। और शिवाणा दुर्ग पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो इसमें वीर सातल देव और मामा, यानी कि वीर सातल देव इसके मुख्य शत्रु थे उस समय, यानी उसके शासन काल में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो एक दूसरे के शत्रु थे अलाउद्दीन खिलजी और सातल देव, और सातल देव इसमें वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और जब सातल देव वीर गति को प्राप्त हो गए थे तो अलाउद्दीन खिलजी ने विजयी होकर उस शिवाणा दुर्ग का नाम खैरावाद रखा था। वो जब हम शाखा पढ़ाएंगे तो और उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अब बात इतनी आती है इसमें कि जो उपनाम है शिवाणा दुर्ग के वो है, एक जालौर की कुंजी के नाम से शिवाणा दुर्ग को जाना जाता है, कुंभयाना के नाम से शिवाणा दुर्ग को जाना जाता है, और खैराबाद के नाम से शिवाणा दुर्ग को जाना जाता है। अब बात आती है इसकी जो संकटकालीन राजधानी मानी जाती है किसको, यानी कि चारों तरफ पहाड़ियां होने के कारण शिवाणा चारों तरफ पहाड़ियां होने के कारण शिवाणा दुर्ग को मारवाड़
के शासकों की शरण स्थली एवं संकटकालीन राजधानी माना जाता है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार मेवाड़ के शासकों का साम्राज्य करने का जो एकमात्र स्थान था वो था कटारगढ़, और कटारगढ़ में वो वहां रहकर कटारगढ़ को ही मेवाड़ की आंख कहा जाता था, और वो वहां से शासन प्रशासन करते थे, साम्राज्य पर प्रशासन करते थे। उसी प्रकार जो चारों तरफ पहाड़ियां होने के कारण सवाना दुर्ग को मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली एवं संकटकालीन राजधानी माना जाता था, क्योंकि मारवाड़ के जो शासक थे वो कभी भी जब संकट की स्थिति में होते थे तो वो केवल और केवल कहां पर जाते थे, सवाना दुर्ग में जाते थे, और वो उनका एकमात्र सुरक्षा कवच का काम करता था सवाना दुर्ग। और ऐसी स्थिति में इसका एक और उदाहरण मिलता है कि जो सवाना दुर्ग था उसमें गिरी सुमेल के बाद राम मालदेव ने भी सवाना दुर्ग में ही शरण ली थी। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि गिरी सुमेल युद्ध के बाद राम मालदेव ने सवाना दुर्ग में जाकर शरण ली थी। कहने का मतलब मारवाड़ के शासकों की जो मुख्य शरण स्थली थी वो सवाना दुर्ग था, और ऐसी स्थिति में गिरी सुमेर युद्ध के बाद राम मालदेव ने सवाना दुर्ग में जाकर शरण ली थी। इसमें जो प्रश्न बनेगा आपको वो इस टाइप से बनेगा कि वह दुर्ग जिसमें गिरी सुमेर के बाद युद्ध के बाद राम मालदेव ने शरण ली थी वह है, तो उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, सवाना दुर्ग मिल जाएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग मिल जाएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग मिल जाएगा, रणथंभौर दुर्ग मिल जाएगा, लेकिन आपका जो आंसर होगा वो होगा सवाना दुर्ग। तो इस प्रकार आप दोस्तों इसको स्पष्ट कर देंगे। इसके अलावा जो सवाना दुर्ग के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बात आती है वो यह आती है कि एक विद्वान है जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, यानी कि उनका नाम था जो शेरे राजस्थान के नाम से जाने जाते थे, किस नाम से जाने जाते थे, शेर ए राजस्थान, ना केवल ये मालदेव की शरण स्थली रहा है, इसके अलावा इसके अंतर्गत और भी मुख्य बिंदु आते हैं, वो यह है कि शेरे राजस्थान के नाम से जाने वाले जय नारायण व्यास को सवाना दुर्ग में ही बंदी बनाया गया था। कहने का मतलब जो जयनारायण व्यास थे इनको शेरे राजस्थान के नाम से राजस्थान में जाना जाता था, और शेरे राजस्थान के नाम से जाने जाने के अलावा इनको सवाना दुर्ग के अंतर्गत बंदी बनाया गया था,
तो इस बात के लिए भी सिमाड़ा बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि जयनारायण व्यास को बंदी इसी दुर्ग में बना गया था। इसके बाद आती है बारी जो सिमाड़ा दुर्ग है उसमें दो प्रसिद्ध साके हुई थी और जो दो प्रसिद्ध साके हुए थे वो कौन कौन से हुए थे, यानी कि सिमाड़ा दुर्ग और सिमाड़ा दुर्ग में प्रसिद्ध साके कितने हुए थे, दो हुए थे। दो में से जो प्रथम साका था, प्रथम साका जो प्रथम साका था उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने सिमाड़ा दुर्ग पर आक्रमण किया था और उस समय सातल देव सिमाड़ा दुर्ग के शासक थे। इसमें जो महत्वपूर्ण बात भी थी वो क्या हुई थी कि अलाउद्दीन खिलजी हुए थे इसमें विजयी, अलाउद्दीन खिलजी विजयी हुए थे और सातलदेव पराजित हो गए थे। और इसमें ये जब इसका जो कार्यकाल था वो था 1310 ईस्वी, साका 1310 ईस्वी में हुआ था लेकिन इसका युद्ध का प्रारंभ 1308 ईस्वी में हो गया था। ये बात इसमें जानना आवश्यक है कि जो प्रथम साका हुआ था सिमाड़ा दुर्ग का वो कब हुआ था, 1310 ईस्वी में हुआ था लेकिन युद्ध का प्रारंभ 1308 ईस्वी में हो गया था। अब बात इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अलाउद्दीन खिलजी इसमें विजयी हुए थे और सातलदेव शासक इसमें पराजित हुए थे और इसी साके के अंतर्गत जो सिमाड़ा दुर्ग का खैराबाद नाम दिया था वो इसी युद्ध में दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, यानी क्या नाम दिया गया था, खैराबाद। और किसने दिया था ये, अलाउद्दीन खिलजी ने सिमाड़ा दुर्ग का नाम खैराबाद दे दिया गया था। और इसका जो महत्वपूर्ण बात है इसमें वो ये है कि इसमें एक तालाब था भांडे राव एक तालाब था और इस तालाब में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गौ मांस मिलवा दिया गया था जिससे इस भांडे राव तालाब को क्या कर दिया था, दूषित कर दिया था। यानी कि भांडे राव तालाब को दूषित करने का काम किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कहने का मतलब ये जो प्रथम साका हुआ था इसमें अलाउद्दीन की विजय हो गई थी, सातलदेव इसमें पराजित हो गए थे और सिमाड़ा दुर्ग का नाम खैराबाद रख दिया था और ये 1310 ईस्वी में हुआ था। और इसमें जो महत्वपूर्ण घटना घटी थी वो भांडे राव तालाब को गौ मांस मिलवा दिया था उसमें, इसलिए उसको दूषित कर दिया गया था। उसके बाद यहां की जो वीरांगना थी उनने क्या किया था, वीरांगनाओं ने जौहर किया था, यानी सिमाड़ा दुर्ग की जो वीरांगना थी उन्होंने जौहर किया था, इसलिए ये इतिहास में सिमाड़ा दुर्ग का प्रथम साका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।